व्यापम कांड के बाद मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला सामने आया है। ये भी व्यापम की टक्कर का है। इस घोटाले में नेता, अफसर, दलाल और सीबीआई के जांच अधिकारी तक शामिल पाए गए हैं। इस घोटाले की जांच में तमाम गड़बड़ियां सामने आने के बाद लगता है इसकी अति उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। कांग्रेस का कहना है ये घोटाला तब हुआ जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग थे। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के बाद एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, वो है नर्सिंग घोटाला। इस घोटाले में मध्य प्रदेश के 2 सीबीआई इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता रवि परमार ने इसकी शिकायत दिल्ली सीबीआई को की थी, जिसके बाद 2 सीबीआई अधिकारी एवं नर्सिंग कॉलेज के संचालकों पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। रवि परमार का कहना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में तत्कालीन चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग भी सीबीआई के रडार पर हैं। तरह से मध्य प्रदेश में बड़ा नर्सिंग फर्जीवाड़ा हुआ था और नर्सिंग फर्जीवाड़े की जांच करने का जुम्मा सीबीआई के अधिकारियों पर था, लेकिन वही सीबीआई अधिकारी नर्सिंग फर्जीवाड़े के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। उस भ्रष्टाचार में नर्सिंग के अधिकारी के साथ साथ कई बड़े नेता भी शामिल है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में पूरा नर्सिंग फर्जीवाड़ा हुआ था, इसमें सीबीआई अधिकारियों ने ऐसे कॉलेजों को अपनी क्लीन चिट दे दी थी जो कि वास्तविक हकीकत में ग्राउंड पर थे ही नहीं। उन कॉलेजों को मान्यता दे दी गई थी जिनका अस्तित्व ही नहीं था। अब वो कॉलेज रडार पर है। एक मामला आज हमने खुद देखा, एपीएस एकेडमी था जिसमें स्कूल चल रहा है, वो स्कूल भाजपा के पार्षद का है और वो भाजपा पार्षद विश्वास सारंग के कलीग है और विश्वास सारंग पूर्व चिकित्सा मंत्री है जिनके कार्यकाल में ये पूरा नर्सिंग फर्जीवाड़ा हुआ था। नर्सिंग घोटाला मामले में भाजपा प्रवक्ता अजय यादव का कहना है कि कांग्रेस बिना तथ्यों के बात कर रही है, अगर उनके पास कोई तथ्य है तो वो सीबीआई को दें। सीबीआई इस मामले में दक्षता से जांच कर रही है और सीबीआई ने दोषियों को पकड़ा भी है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति होती है। जो भी व्यक्ति किसी भी जांच में गलत पाया जाता है उसके ऊपर संस्थाएं कार्रवाई करती हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे राज्य की संस्थाएं हो, निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है। सीबीआई द्वारा इस मामले में गिरफ्तारी भी की गई है जो कि जांच की निष्पक्षता को दिखाता है। कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है, केवल गंभीर मुद्दों पर राजनीति करते हैं, उलझुल बातें करते हैं। अगर कांग्रेस के नेताओं के पास किसी तरह के प्रमाण है तो सीबीआई को सौंपे, सीबीआई उन प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।